ऐसा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व तो है, ना सोच है, ना वो कुछ कर सकते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, यूपी में कपिल सिब्बल जी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, टॉम वैगनन ने कांग्रेस छोड़ी, नारायण राणे जी ने कांग्रेस छोड़ी, शंकर सिंह मघेला जी ने कांग्रेस छोड़ी, ब्रेन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, चौधरी बरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, जेके वासन ने छोड़ी, जयंती नटराजन जी ने छोड़ी, हेमंत विश्वकर्मा ने असम में छोड़ी। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए और कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक देखिए, आपको दिखेगा कि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिक्रमावादियों का, दरबारियों का जमावड़ा बच गया है। रीढ़ की हड्डी होना और पराक्रम होना, ये अब कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। भारत जोड़ो शुरू कर रहे हैं, पहले पार्टी तो जोड़ लो। लोग आपको नेता ही नहीं मान रहे, लोग राहुल, उनकी जनता छोड़िए, जनता तो डेढ़ दर्जन चुनाव राहुल गांधी को हरा चुकी है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के महासचिव तक, पूर्व महासचिव तक राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं, और राहुल गांधी भी खुद मन में मान चुके हैं, इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए। आज शायद 2 साल बीत चुके, 19 का इस्तीफा दिया, 22 आ गया और कांग्रेस अभी तक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लगा पाई। 3 साल से कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है, इसलिए ये तो एक श्रृंखला है पूरे देश में चल रही है। बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री, अरे कपिल सिब्बल से बड़ा चेहरा छोड़ गए ना पार्टी, राजगोपाल रेड्डी छोड़ गए पार्टी तेलंगाना में, सुनील जाखड़ पंजाब में छोड़ गए पार्टी, एक लंबी श्रृंखला है। अब कांग्रेस पार्टी डूबता जा रही है, नई पार्टी बनाने जा रही है, ऐसा है कि आगे भी बहुत बड़ी पार्टी, लगभग 1000 के करीब पार्टियां बनती हैं, बनती रहेंगी।